अजमेर नगर निगम की साधारण सभा में आज उन 180 सफाई कर्मचारियों की आवाज को बुलंद किया गया जिन्हें डीएलबी के आदेश के चलते नियुक्ति से महरूम रखा गया था। नगर निगम की साधारण सभा में आज प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार को भेजने का निश्चय किया है जिसमें उन सभी चयनित 180 सफाई कर्मचारियों को नियुक्ति दिए जाने की अनुशंसा की गई है। इसी के साथ इस बैठक में मृतक आश्रित कर्मचारियों के साथ ही स्मार्ट सिटी योजना को लेकर भी महत्वपूर्ण प्रस्ताव पास किए गए। नगर निगम महापौर धर्मेंद्र गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित इस साधारण सभा में सबसे ज्यादा चर्चा उन 180 सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए की गई जिन्हें डीएलबी के आदेश से फिलहाल नियुक्ति नहीं दी जा सकी है। बैठक में भाजपा और कांग्रेस पार्षदों ने संयुक्त रूप से इस मामले को उठाया और कहा कि मात्र एक बेनामी शिकायत के आधार पर इन नियुक्तियों पर रोक लगा दी गई जबकि वास्तविकता में पूरी नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी थी। इसी के बाद महापौर धर्मेंद्र गहलोत ने यह व्यवस्था दी कि इन सभी को अनुशंसा के साथ पत्र लिखा जाएगा। इस बैठक में स्मार्ट सिटी के कार्यों पर भी चर्चा की गई लेकिन साथ ही पार्षदों ने इस बात पर भी आपत्ति व्यक्त की कि स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक नियमानुसार हर महीने होनी चाहिए जबकि लंबे समय से इस बैठक का आयोजन नहीं किया जा रहा है। महापौर धर्मेंद्र गहलोत के अनुसार अब इस पूरे मामले में केंद्र और राज्य सरकार को अवगत कराया जाएगा साथ ही यह सुनिश्चित करवाने की कोशिश की जाएगी कि स्मार्ट सिटी बोर्ड की बैठक हर महीने हो ताकि स्मार्ट सिटी योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों की प्रगति और इस पर होने वाले खर्च पर नजर रखी जा सके। बैठक में मृतक आश्रित कर्मचारियों को लेकर भी चर्चा की गई और तय किया गया कि नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले नियमों में रियायत देकर मृतक आश्रित कर्मचारियों को राहत प्रदान करेगा। अभी ये आज साधारण सभा प्रारंभ हुई थी इसमें दो कर्मचारियों के प्रस्ताव थे जो मृतक आश्रित के थे। उसमें पिछले बार सदन में पूछा गया था कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है उसके बच्चों को आगे दिया जा सकता है तो वो नियम बताए गए निश्चित रूप से। उस नियम के तहत अगर वो योग्यता रखता है तो यूडीसी एलडीसी उसको बनाया जा सकता है। इसके तहत प्रस्ताव संख्या 1 और 2 पास हुआ। ऐसी 182 कर्मचारी का 180 कर्मचारियों का मामला था। इसमें 3 बार डीएलबी के खिलाफ रिपोर्ट है जिसमें जाँच कमेटी ने उसमें खारिज किया है किंतु यहाँ की जो नगर निगम की जो मूल शुरू में जो कमेटी बनी थी उसने इस जांच को बिल्कुल सही माना था इसलिए हमने इसकी अनुशंसा करते हुए सरकार को भेजा है कि इसको कंसल्टेशंस करें और इसके आधार पे क्योंकि हम ये स्टैंड करते हैं कि जो यहाँ की जो कमेटी है वो कमेटी ने जो जांच की थी उसको सहानुभूतिपूर्वक विचार करें ताकि इनको कर्मचारियों को नौकरी लग सकते हैं और अगर है देने की मंशा हो अनुशंसा के आधार पर तो फिर वो जो रिक्त स्थान है उसको भी परिवर्तित करने की करें। इसी प्रकार से फिर स्मार्ट सिटीज़ को पार्किंग को लेकर बात चली है तो 3 जगह की पार्किंग्स हमने इनको अलाउ की है मगर इस शर्त के साथ किए कि पहले अपने वो ड्राइंग और डिज़ाइन और एनओसी वगैरह ला के बता दें ताकि उस आधार पर फिर वो काम होने के बाद रुके नहीं निश्चित रूप से निर्बाध चलता रहे। इसी प्रकार से स्मार्ट सिटी की बात आई थी तो स्मार्ट सिटी में जो केंद्र सरकार ने एक नियम बना रखा है कि एडवाइजरी बोर्ड की कमेटी की मीटिंग हर महीने होनी चाहिए तो निश्चित रूप से वो हर महीने केवल 6ठे महीने सन 18 के अंदर हुई थी इसके बाद से आज तक नहीं हुई है तो उसके लिए पूछा गया कि इसमें कौन है तो उन्होंने बताया कि स्मार्ट सिटी के CEO इसके लिए है उस मीटिंग को बुलाने के लिए तो चूँकि नहीं बुलाई तो इसलिए इस बात के लिए सदन ने कहा कि इस बात को केंद्र सरकार राज्य सरकार के संज्ञान में लाया जाए और फिलहाल अभी चर्चा चल रही है भोजन अवकाश हुआ है। एक एलिवेटेड रोड का भी चला था कि जिसके परमिशन एलिवेटेड रोड की बिल्कुल वैसे तो नियम अनुसार चीज चल रही है मगर वो कई कई जगह ये बात आई है कि आर्कियोलॉजी से उसकी परमिशन ली गई है कि नहीं ली गई है तो मगर वो चीज़ विचाराधीन है तो वो नगर निगम के सदन से संबंधित ना होने के कारण उसको स्मार्ट सिटी लिमिटेड कंपनी इस पर लेगी जो भी परमिशन जहाँ पे जिस स्तर पे लेना वो परमिशन लेगी।